जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाने वाला है। एक तरफ टैक्स की रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट से पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा मिली है, कृषि के क्षेत्र में पीछे जा रहे हैं, जीडीपी के क्षेत्र में पीछे जा रहे हैं, रेवेन्यू के क्षेत्र में पीछे जा रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में पीछे जा रहे हैं। तो जब यहाँ का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो बाकी क्षेत्रों में पीछे क्यों जा रहे हैं? ये सरकार की अकर्मण्यता और असफलता है, क्योंकि सरकार पूंजीगत व्यय कम कर रही है और राजस्व व्यय ज़्यादा कर रही है, और उसके कारण छत्तीसगढ़ का विकास हर मामले में, चाहे एग्रीकल्चर के मामले में हो, प्रति व्यक्ति आय के मामले में हो, उद्योगों के मामले में हो, सब मामलों में छत्तीसगढ़ पीछे जा रहा है। ये सरकार की असफलता अकर्मण्यता का परिणाम है। देखिए, आज के समय पर सरकार का ये निर्णय ही गलत है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को विशेष फायदा पहुंचाने के लिए ये धान को बाजार में बेच रहे हैं। आज जब पूरे देश में धान की पैदावार हो रही है, धान की फसल आ रही है, तो इस समय पर धान को बेचना ये सरकार का गलत सोचा समझा निर्णय है, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का निर्णय है। अगर धान को बेचना हो तो 3 महीने बाद बेचना चाहिए, जब धान की फसल कम हो जाएगी, जब धान का उत्पादन नहीं होगा और बाजार में रेट बढ़ेंगे, अगर उस समय बेचा जाएगा तो इसका फायदा होगा। और आज के समय पर सरकार धान बेचने का जो निर्णय है वो पूरी तरह कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। सर, एक ये भूपेश बघेल जी ने कहा सदन में कि पॉलिटिकली आइसोलेटेड है डॉक्टर अमन सिंह, यहाँ कोई सुनता नहीं, वहाँ कोई सुनता नहीं। अब ये सब राजनीतिक भाषण है, मुझे लगता है इन भाषणों पर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, ये सब राजनीतिक आरोप है। लंबे समय से रही है, एक स्टेडियम में पवेलियन का नाम सचिन के नाम पर रख देना चाहिए।